ऐसा ना, अब ये एक्सीडेंट गाड़ी के हिसाब से मैं इसे दबाऊंगा। लो लेवल एकदम सेट आ गया, अब देख लो जी बिल्कुल सेट। लो जी सेट करता एकदम एक नंबर फ्रंट एक्सल। चल 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 बस 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 तो खोली और रस्सा सा ऐसा ना, अभी एक्सीडेंट गाड़ी के हिसाब से मैं इसे दबाऊंगा। एक्सीडेंट गाड़ी चल 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक सत श्री अकाल नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके, आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है मतलब एक्सीडेंट घोड़ा है, 2018 है शायद 19 ऐसे ही है, मतलब ऊंचा मॉडल गाड़ी है और ये एक्सीडेंट हुई है बहुत मतलब जिसे कहते हैं बुरे तरीके से, मतलब फ्रंट इसकी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। तो फ्रेम तो हमारे पास ही आना था तो वो हमारे पास टाइम नहीं था तो फ्रेम वो दूसरे मिस्त्री के खड़ा कर दिया। अब ये हमारे जानने वाले हैं, बिल्कुल क्लोज रिलेशन में कह लो या यार दोस्त हैं फादर के, तो मतलब फ्रेम हमारे पास नहीं, मेरे उन्होंने मेरे पास फिर फ्रंट एक्सल भेज दिया। तो मैं कहा कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये है फ्रंट एक्सल, मतलब घोड़ा है 10 चक्का घोड़ा है टाटा का। तो देखो 19 मॉडल घोड़ा है, 19 ही है शायद, 19 मॉडल घोड़ा है और उसका फ्रंट एक्सल है। तो दोस्तों देखो जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई है ना तो इसको तसल्ली से करना पड़ेगा, नहीं तो अब जैसे नई गाड़ी का हम खोलते हैं ना फ्रंट एक्सल तो वो तो हम लगे स्पैंडलों के साथ ही उनको प्रेस कर देते हैं और ज्यों का तो हम फिट करके मतलब भेज देते हैं गाड़ी को। लेकिन जब भाई ने बताया कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और उसका फ्रेम हो रहा है तो दोस्तों इसको फिर हम करेंगे बिल्कुल तसल्ली के साथ। देखो ये चीज़ दोस्तों एक तो रोज़ रोज़ तो खुलती नहीं है, तो मतलब जब चीज़ हमारे पास आई है देखो मालिक कहाँ बैठा है, उसने फ्रेम भी मेरे पास भेजना था जैसे मैंने आपको बताया, तो फ्रेम हमारे पास टाइम ना होने के वजह से उन्होंने दूसरे मिस्त्री के पास भेजा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उनका इतना बड़ा विश्वास है, इतने अच्छे हैं वो, मतलब देखो जो आदमी जिसके साथ वर्तता है ना उसको उसका पता होता है भाई बंदा वो कैसा है। तो उन्होंने हमारे पास वो कह रहे हैं आप फ्रंट एक्सल कर देना भाई, फ्रेम मैं वहाँ करवा लेता हूँ। थोड़ा देखो बंदे को थोड़ी जल्दी भी होती है हर चीज़, क्योंकि किस्तों की गाड़ी होती है तो बंदे को ये होता है कि जल्दी जल्दी काम निपटे, हर गाड़ी वाले को ही होता है। तो दोस्तों उन्होंने फ्रंट एक्सल भेजा है तो इसको तो फिलहाल मैं अब खोल रहा हूँ और दोस्तों वो चीज़ आपको मैं बताऊँगा, मतलब पता नहीं। अब देखो हर बंदा या हर मिस्त्री जो टॉप क्लास के मिस्त्री है ना, मतलब वो ये चीज़ ज़रूर चेक करते हैं, करते होंगे करते हैं, चलो जो भी जो जैसा भी समझ लो, क्योंकि जब भी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो वो चीज़ चेक जरूर करनी है। ये नहीं कि हमने ऊपर नीचे तो हम दबाते ही हैं, हर बंदा हर मिस्त्री दबाता है, लेकिन जब गाड़ी आपकी एक्सीडेंट होती है तो जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा ऐसे दबाएंगे तो वो मतलब उस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको दोस्तों सब चीज़ बताऊंगा और दिखाऊंगा भी करके, लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर अभी नए हैं और बिल्कुल पहली बार वीडियो पर आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, उससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो ट्रक से रिलेटेड हैं सारी आपको मिलती रहेंगी। तो पहले हम इसको मतलब निकाल रहे हैं दोस्तों, इसके स्पैंडल दोनों निकालने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो हम वैसे तो ऐसे ही दबा देते हैं, लेकिन देखो टाटा की हो चाहे कोई भी हो स्पैंडल निकालने दोस्तों बहुत ज़रूरी है। हमने कई यार दोस्तों से सुना है कह रहे जी वहाँ पर तो ऐसे बिना स्पैंडल निकाले ही फ्रंट एक्सल दबा देते हैं भाई, ओरिजिनल ठुके हुए हैं। मैंने उनको कहा भी कई बार, मेरे से दोस्त वगैरह मेरे से यार दोस्त उनके पास भी ट्रक वगैरह हैं
तो मैंने कहा ठीक है जी, हाँ आपका मन जैसे ठुकता है आप वैसे करवाओ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। तो दोस्तों ये मैं तो फिलहाल लंच करने गया हुआ था, तो मैं विपिन को कह गया था कि तू इसको निकाल लियो, बिल्कुल मतलब कि स्पैंडल वगैरह निकाल के रखियो, इतने में लंच करके आऊँगा और फिर देखते हैं इसको। तो इतने भाई ने दूसरा भी साइड का उधर का भी खोल रहा है ये, तो मैं इसको पहले कह गया था, मैं कहा दोनों चीज़ खोल के रखियो और उसके बाद मैं आते ही दोनों चीज़ चेक करूँगा। तो ये भी भाई ने दूसरा स्पैंडल भी घेर दिया। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ और इसके बाद मैंने कहा ये है दोस्तों वो चीज़ जो मैं आपसे कह रहा था कि हर मिस्त्री ये चीज़ चेक तो करते होंगे, लेकिन देखो मैं अब किसी के बारे में नहीं कुछ कह सकता, लेकिन हमारा ये है असूल कि कोई गाड़ी किसी ने कह दी भी एक्सीडेंट है तो दोस्तों ये मुक्की का और पटरी का, पटरी होती है जिसके ऊपर कमानी लगती है जहाँ पर रकाबे खींचते हैं, ये पटरी है जहाँ मैंने लेवल रखा है। तो दोस्तों इसकी पिन का और पटरी का लेवल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट है तो उसका खाली ये नहीं कि बस चेक कराना, आपने तो कह देना है कि चेक करवाया हमने फ्रंट एक्सल। चेक कराने से मतलब ये नहीं होता कि खाली चेक करवाया, चेक कराने का मतलब ये होता है कि अगर एक्सीडेंट है तो उसको मिस्त्री को बताओ भी भैया चेक ऐसे करना है भी, मतलब टायर और गाड़ी एक भागे ना मेरी। भागने का मतलब दोस्तों ये होता है कि हाथ छोड़ के स्टेयरिंग छोड़ के एक साइड भागती है गाड़ी, तो वो अगर मुक्की में ऐड होगा ना दोस्तों, जैसी लग जाती है ना गाड़ी तो मुक्की में ऐड होगा तो गाड़ी एक साइड को खींचेगी, कनेक्टर साइड भी खींच सकती है, ड्राइवर साइड भी, वो जोन सी मुक्की में फ़र्क होगा वो उस साइड खींचेगी। तो मेरे फादर साहब भी आए तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा भी मुक्की में डैडी फ़र्क है, तो वो कह रहे कोई बात नहीं आप चेक करो, इसको दबाते हैं। तो दोस्तों जो इसमें मतलब मुक्की में जो फ़र्क है ना वो पटरी पटरी करके है, जहाँ पर हम रकाब खींचते हैं ना हम उसको पटरी कहते हैं। अब पता नहीं आपकी सिटी में वहाँ पर क्या कहते होंगे फ्रंट एक्सल की, जहाँ पर कमानी रखी जाती है। तो इसका मुक्की में और पटरी का जो लेवल है वो आउट है, तो वो हम निकालेंगे अब और आप देखना हम इसको दबाएंगे भी कैसे, क्योंकि दबाने का और वैसे करने का बहुत फ़र्क होता है। अब तो फिलहाल चेक करने के लिए मैंने रखा हुआ है, तो मैं पापा से यही पूछ रहा था, मैं कहा भी पापा ये चीज़ मतलब आउट है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे करके दबाओ, मैं कहा ठीक है ही। हमने रख दिया था पहले, मैंने कहा फिर भी एक बार बड़ों की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो देखते रहिए दोस्तों आप, और इसका हम जो एक्सीडेंट के वजह से जो फ्रंट एक्सल में ऐंठ आया है इसको हम कहते हैं ऐंठ आना, मतलब ऐंठ जाती है जब चीज़ लगती है। तो दोस्तों देखो इसका जब एक्सीडेंट होती है तो इसका कोई वजूद नहीं है फ्रंट एक्सल का, ये लोहे की चीज़ है, जब किसी चीज़ में लगती है तो चीज़ अच्छी अच्छी खासी चीज़ मुड़ जाती है, तो लोहा है फिर। तो ये हम इसको लेवल में अच्छी तरह साइड में रख के पिन का लेवल चेक कर रहे हैं, अगर मुक्की में फ़र्क होगा तो दोस्तों पिन में भी लेवल का फ़र्क होगा, और ये पटरी में जो थोड़ा बहुत फ़र्क है अब हम निकालेंगे उसको। तो ये देखिए दोस्तों अब हमने नीचे जो चीज़ रखनी है ना, मतलब हमने पट्टे के पीस रखे हैं उसका ऐंठ निकालने के लिए, जो इसकी पटरी में फ़र्क था ना, मतलब उसका लेवल से पता लग जाता है। देखो ये हर कोई मिस्त्री नहीं कर सकता ये ऐंठ निकालने का काम, अगर आप कहो कि कमानी वाले मिस्त्री से या जिसका मतलब जिसको तजुर्बा है ना, जिस मिस्त्री को काफ़ी टाइम का, देखो वो ये काम कर सकता है। अब ये नहीं है कि कोई दो चार साल का मिस्त्री आके ये चीज़ कह रहे भाई हम भी ऐंठ निकाल देंगे, मुक्की का ऐंठ निकालना और पटरी का ऐंठ निकालना, फ्रंट एक्सल का पूरे का ही ऐंठ निकालना, ये मतलब बहुत मुश्किल काम है उनके लिए है जो ये काम नहीं करते। जो ये काम करते रहते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए तो एक रेगुलर रोज़मर्रा का काम है। तो हमने ये दबा दिया है दोस्तों, अब इसको हम मतलब लेवल में रख के अभी चेक करेंगे, हम टेढ़ा रख के इसको लेवल में रख के बिल्कुल देखेंगे भाई बिल्कुल सेट है, और आपको भी दिखाऊंगा दोस्तों लेवल इसका। अभी आप थोड़ी देर वीडियो देखते रहिए, एंड तक देखना तो पूरी वीडियो का मज़ा अलग ही आएगा, और फिर आपको भी लेवल चेक कराऊँगा मैं, और अभी आपको भी दिखाता हूँ, पहले मेरा काम हो जाए फिर आपको भी चेक करवाऊँगा, बिल्कुल 00 लेवल आ जाएगा। और ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल बीच में है लेवल। अब मैं परली साइड जाऊँगा और इधर भी दोस्तों देखिए, ये मैंने उल्टा रख दिया था, मैंने दोबारा चेक करा फिर एक बार, ये देखिए इधर, हाँ जिधर उधर से नाप रहे हो सेम वैसा ही इधर रखना है दोस्तों, बिल्कुल लेवल है इस टाइम बिल्कुल। और मैंने फिर ये पटरी होती है दोस्तों जहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं, ये देखिए पटरी का भी लेवल बिल्कुल सही है, और जो हमने दबाकर निकाला है। तो दोस्तों ये जरूर मतलब कभी भी किसी की ऊपर वाला ना करे, कभी किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो ऐसा ना करे ऊपर वाला, मतलब सब राजी खुशी अपने घर में रहें,
खाएं भी पिए भी मौज मस्ती, लेकिन देखो जब आना होता है तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। सब ठीक रहें अपने घर पर, जो भी अपने भाई हैं मतलब बढ़िया रहें, खाएं कमाएं बढ़िया। और तो जब भी आपकी गाड़ी कोई ऐसी बात हो जाए तो मतलब किसी भी मिस्त्री से ऐसे चेक करवाएं आप लेवल वगैरह बढ़िया अच्छे मिस्त्री से। तो ये हम अब इसका ऊपर नीचे मतलब दाब भी देख रहे हैं अभी कितने, मैंने उसे भाई से पूछा कितने वजन में चलती है तो वो भाई कह रहा है 45 से 50 टन। हम अब उस वजन के हिसाब से इसको सेट करेंगे और दबा के भी इसको रख देंगे, उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बन रही है, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। और आपके जो कमेंट हैं वो भी हम, मेरा पढ़ने का टाइम आ गया है, और आपके जो इतने प्यारे प्यारे, एक बार फिर से आपके कमेंट्स का मैं अपने अंदर बिल्कुल दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, जितने भी मेरे आप सारे फ्रेंड्स हो। तो आइए दोस्तों आपके कमेंट पढ़ने भी स्टार्ट करते हैं। और फ्रंट एक्सल का काम बिल्कुल निपट चुका है, और इसके बाद हम फ्रंट एक्सल जो इसका है दबाकर उसके बाद स्पैंडल फिट करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको भी जो मैंने लेवल इसका सही कराया है ना, जो इसमें एंड था, वो एक बार आप भाइयों को और आप दोस्तों को मुझे ज़रूर दिखाना है। तो अब मैं वो चेक करूँगा, ये ऊपर नीचे तो मैंने जो प्रेस करना था फ्रंट एक्सल को प्रेस कर दिया है। तो आइए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ, जो मैंने एंड इसका निकाला है ना वो लेवल बिल्कुल बराबर है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसका पिन पर रख के देखो आप, बिल्कुल जो लेवल है बिल्कुल एकदम ज़ीरो पर है। देखिए आप ये देखिए आप, इधर भी ज़ीरो पर है। अब मैं इसको निकाल कर दूसरी साइड लेकर चलूँगा। तो ऐसे दोस्तों मुक्की का मतलब जो एंट होता है ना, मतलब जो निकालने के बाद बिल्कुल लेवल जीरो जीरो होना चाहिए। मैं इधर का दिखाऊँगा आपको, और ये देखिए इसको बीच में रख के, अब ये देखो बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो है। अब हमको पूरा यकीन हो गया कि भाई ये मुक्की बिल्कुल अपने लेवल पर है। दोस्तों अगर कभी भी मुक्की में एंट होगा तो एक साइड से जिधर गाड़ी लगी होती है ना उस मुक्की में फ़र्क होगा और दूसरी साइड में सही होगा। तो हमने दोस्तों बस अब स्पैंडल ठोकने शुरू कर दिए हैं। तो आइए दोस्तों आपके कमेंट सवाल जवाब पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हैं अपने रॉकस्टार 563 के नाम से, ये लिखते हैं सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सर जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, बहुत बहुत धन्यवाद ये शब्द लिखने के लिए आपके। अगले हैं अपने अजय पाल सिंह गरेवाल, सत श्री अकाल जी, एडिक्शन हो गए हैं अजीत जी तुहाडे वीडियोज़ दी, एवरीथिंग देयर इज़ समथिंग न्यू एंड इंपॉर्टेंट टू लर्न, थैंक्स फॉर शेयरिंग लव फ्रॉम लव एंड सपोर्ट फ्रॉम चंडीगढ़। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी, इन्ने जो कि असी हैं नहीं जिन्ना तुसी बनाता है। अजय पाल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिलों धन्यवाद थोड़ा। और अगले हैं अपने मिलन डेका जी, ये लिखते हैं गुड वर्क पाजी, साडा सलाम, सदा सलामत रहें आप, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मिलन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हैं अपने बॉबी सिंह, आपके वीडियोस में बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। बाय द वे पत्ती की मुक्की वेल्डिंग हमारे यहाँ भी ऐसी ही होती है। तो इन्होंने लिखा कि मगर आप भी मुक्की में एंगल वेल्ड करके उसकी मजबूती बढ़ जाती है, बट बाकी आपकी क्या विचार हैं? सर जी ऐसा है, अगर हम मुक्की वेल्ड करते हैं ना, हम एंगल नहीं लगाते, हमारे पास बहुत पट्टे आते हैं ऐसे एंगल लगे हुए, एंगल से बढ़िया आप क्लिप की पत्ती जो आती है ना, जो कमानी के अंदर क्लिप लगते हैं वो नरम होती हैं, एंगल ना लगा के आप क्लिप की पत्ती लगाएं उसको। चलो किसी दिन मैं क्लिप का जो पत्ती हम लगाते हैं ना वो लगा कर भी आपको पट्टा वेल्ड करके दिखाऊँगा। सर जी बॉबी सिंह जी बिल्कुल आपकी बात जाए जाए, पट्टा मजबूत हो जाता है, लेकिन देखो रोकना वेल्डिंग नहीं है, चाहे आप उसमें 10 जगह से आप पत्तियां लगा लो, साइड से वेल्ड कर लो, अगर आपके वेल्डिंग में मजबूती है तो रुकेगा, नहीं मजबूती तो चाहे 10 पत्तियां लगा लो तब भी नहीं रुकेगा। लेकिन हम बॉबी भाई जो पट्टा वेल्ड कर देते हैं ना, टच वुड बाबा जी से डर के कहते हैं ऊपर वाले से, लेकिन कभी आज तक शिकायत नहीं आई। वो एक अलग बात है कि कोई गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो पट्टा टूट गया, वो एक अलग बात है, नहीं तो टच वुड आज तक कोई 100 में से एक तो हम भी दूध के धुले नहीं हैं। देखो एक दो में शिकायत आ जाती है, लेकिन बाबा की कृपा से 98-99 में कभी शिकायत नहीं आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सजेशन देने के लिए। और अगले हैं हमारे शौंकी PB90, लव यू ब्रदर, तो आपको भी बहुत बहुत लव यू ब्रदर। अगले हमारे हैं सब्सक्राइबर पाजी पंजाब के लोग, बहुत इन्होंने लंबा कमेंट लिखा है यार चलो पढ़ देते हैं। पाजी पंजाब के लोग बहुत ही अच्छे और होते हैं ये मुझे पता था। उन्होंने लिखा है कि कुछ दिन पहले एक ट्रक पलट गया था, कुछ चंद लोग उसमें से सेब एप्पल लूट के ले गए, मेरा भी दिमाग घूम गया कि पंजाब में ऐसे कैसा हो सकता है। फिर दो बंदे आगे आए, उन्होंने लूटे हुए एप्पल की कीमत 9,12,000 रुपये दिए,
क्योंकि पंजाब का नाम खराब ना हो, मैंने यह बात इसलिए कही कि मैं हमेशा पंजाब और पंजाबी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। जब आप यह कमेंट पढ़ें तो जो दूसरे राज्यों के लोग हैं वो ये ना समझें कि क्यों पंजाब मदद करने में सिरमौर है। मैं किसी भी राज्य और वहाँ के लोगों को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल इतनी आशा करता हूँ कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि सरदार जी होते हैं। सत श्री अकाल सभी को। बिल्कुल सही कहा पाजी आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखो हर तरह के लोग हैं दुनिया में, कोई क्या करता है कोई कहा, चलो ये तो अलग बात है, लेकिन आपके विचार बहुत अच्छे हैं सर। बिल्कुल सही बोला आपने, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई। अगले हैं अपने सुरेंद्र सिंह सोनू, सत श्री अकाल पाजी, गुड जॉब, सत श्री अकाल पाजी। अगले हैं अपने तसव्वर त्यागी, प्यार भेजते हैं बहुत सारा, आपको भी बहुत सारा प्यार। अंकुर बुरा जी हैं, नाइस सर जी लिखते हैं, तो थैंक यू ब्रदर। अगले हैं अपने इंतज़ार खान, पाजी आपका काम देखकर मेरा भी ट्रक लेने का मन होने लगा है, आप बताएं कौन सा ट्रक लेना चाहिए। सर जी आपका पैसा है, ट्रक जो मर्जी लो, लेकिन मैं तो सजेशन यही दूंगा। ठीक है चलो, हम तो मैकेनिक मिस्त्री हैं, हमारी वर्कशॉप है तो गाड़ियाँ आती हैं, हमें तो इससे रिलेटेड मतलब काम करना ही पड़ता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप ट्रक लो और इससे बढ़िया तो आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लो, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ। देखो जिन जो भी मेरे यार दोस्त हैं, 100 में से 5 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बढ़िया है ट्रक, 95% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमसे कर्जा नहीं उतर रहा, हमसे ये है, हम बहुत परेशान हैं, गाड़ी पकड़ ली, टायर फट गया। तो देखो हर तरीके के लोग हैं, ऊपर वाले का नाम लो और ट्रक अगर आपको इच्छा है मन में, मैं ये नहीं कहूँगा ना बनाओ, आप ट्रक लो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले का नाम लेके ट्रक बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। इंतजार भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बनाओ। कोई अपने अच्छे यार दोस्त हैं जो आपके, उनसे आप सलाह मशवरा करें, ट्रक लो, लेकिन लो तो टाटा का लेना मेरे कहे से। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार भाई आपका। अगले हैं भावरिक सुमित, खाली में टूट जाता है, मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल सर, खाली में पट्टा टूट जाता है, बिल्कुल टूटता है, लेकिन लोड में टूटता है, खाली में तो झटका हल्का मोटा लगेगा तो एकदम बाहर निकलेगा, लोड में बाहर नहीं निकलता पट्टा टूटकर। और अगले हैं अपने मकैनिकल गुरुजी, पाजी तुसी जो पिछली लाइन करने वास्ते टूल बनाया, तुसी वो किस चीज़ का बनाया? ओ मकैनिकल गुरुजी असी बनाया है पत्ती का, ओ कोई 1.25 इंच की पत्ती है, 1.5 तो 2 सूत मोटी पत्ती है, उस चीज़ का बन के असी वो कंपास वांगू बनाया, जिहड़ी कंपास हुंदी है ना, मतलब जिहदे नाल असी कोई चीज़ नापदे हैं, उस टाइप का बनाया असी वड्डी। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा पूछने वास्ते। अगले हैं अपने दिनेश मेहरा जी, वीर जी यह पट्टा तो नया डाल देना चाहिए था, यहाँ चलने वाला यह चलने वाला नहीं है क्योंकि मेन पट्टा है। दिनेश मेहरा जी हमने इतने पट्टे वेल्ड कर दिए, मैं कह रहा जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन टचवुड वहाँ से अभी कभी टूटा नहीं पट्टा कभी आज तक, कोई एक आधा तो हम कहते नहीं, लेकिन टचवुड वेल्डिंग की मजबूती होनी चाहिए, वेल्डिंग ये नहीं कि कैसा भी राड से आप वेल्ड कर दो, लेकिन वेल्ड होना चाहिए बढ़िया। तो ठीक है, धन्यवाद आपका। अगले हैं अपने सुखविंदर सिंह, पाजी हम मुक्की पर एंगल रखकर वेल्ड करते हैं, 50 टन पर भी नहीं टूटता। बिल्कुल सर नहीं टूटता, वेल्डिंग की क्वालिटी होनी चाहिए, मैं अभी कहकर हटाऊं, 50 टन क्या, चाहे आप 100 टन भर लो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन वेल्डिंग होना चाहिए एक नंबर का, चाहे उस पर हम, मैंने अब ये पट्टा वेल्ड करा है, मैंने इस पर कोई सपोर्ट नहीं लगाई, लेकिन पट्टा नहीं टूटेगा, हमने ऐसे पट्टे बहुत करे लेकिन टचवुड कोई पट्टा नहीं टूटता, वेल्डिंग की मजबूती चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अगले हैं अपने शहजाद खान, सर जी हम तो हरीश के बुश डालते हैं गुजरात में, हम भी सर यहाँ, हमारे भी मिलते हैं हरीश के बुश, हरीश के चलते हैं, हमारे मेरठ है बराबर में, मेरठ के बनते हैं वो बुश, यूपी में मेरठ है। तो दोस्तों हम कमेंट सेशन यहीं एंड करते हैं, बहुत बढ़िया लगे आपके कमेंट पढ़ने में, और इसी तरह प्यार बनाए रखें, तहे दिल से आपका एक बार फिर से आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों ये हमने फ्रंट एक्सल बिल्कुल रेडी कर दिया है, फ्रंट एक्सल बिल्कुल पिने वगैरह ठोके, और दोस्तों एक चीज़ और, जब भी आप इस स्पैंडल को ठोकें, मतलब जो फ्रंट एक्सल की मुक्की है या स्पैंडल ये हमने ठोक रखा है, मतलब इसको टाइट, ये ना हो कि आप बिल्कुल हल्का सा शिम डालो और बस हाथ से ही घूम रहा है, कम से कम स्पैंडल में जान लगे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब हाथों से घुमाने पर जान लगे दोनों हाथों की, ये ना हो कि आप हल्का सा रहला, क्योंकि कई मिस्त्री ऐसे होते हैं जी हल्का सा लूज ही कर दो, हम दोस्तों लूज़ नहीं करते, हम बिल्कुल एकदम थोड़ा सा टाइट, अगर लूज़ ही कर दिया तो फिर खोला हमने किस लिए,
लूज ही खोला है और लूज ही हमने बांध दिया, तो इसको फिट करें बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। और तो दोस्तों ये देखिए हमने बिल्कुल फिट कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक की वीडियो और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय 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 और बाय बाय।